सर, एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल आए हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो देश है ना, ये एक संजीदा पॉलिटिक्स चाहता है, बहुत ही गंभीर राजनीति चाहता है, एक मैच्योर पॉलिटिक्स चाहता है। और जो विपक्ष है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, उसमें ऐसे लोग हैं जो इमैच्योर हैं, नॉन सीरियस लोग हैं। सबसे ज्यादा नॉन सीरियस बातें राहुल गांधी जी करते हैं। राहुल गांधी जी की जो हरकतें हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके बयान हैं, जो उनके फैसले हैं, वो नॉन सीरियस हैं। और वो एक नॉन पॉलिटिकल लोगों के गिरोह से घिरे हुए हैं। तो राहुल गांधी जी की जो इमेज है, वो एक जोकर की तरह बन गई है। राहुल गांधी जी की बातों पर लोग हंसते हैं। नरेंद्र मोदी जी साधना कर रहे हैं, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो साधना में चले गए। उसके बाद आपने देखा नरेंद्र मोदी जी को कहीं बोलते हुए? अभी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। और इधर ये हैं सत्ता के लालच में, जैसे भी कब्जा हो जाए, मीटिंगों पर मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंगों पर मीटिंग कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। तो जो एग्जिट पोल है, मैं तो कहना चाहूँगा एग्जिट पोल में एजेंसीज ने ये इनका पक्षपात किया है, इंडिया गठबंधन को मदद की है। सच बात यह है कि जो 4 जून को रिजल्ट आएगा, वो एग्जिट पोल से बड़ी जीत बीजेपी की होगी। ये देश नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही प्रचंड बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। सर, 2 बार कांग्रेस राहुल गांधी जी को प्रमोट कर चुकी है, अब तीसरी बार जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि जनता ने फिर नकार दिया है। देखिए, कांग्रेस की जो दुकान है, उसमें सौदा नहीं बचा है। और इसकी जिम्मेदारी, इसके लिए कोई बाहर का आदमी जिम्मेदार नहीं है, खुद राहुल गांधी और उनका कैंप जिम्मेदार है। आज इस देश में जो दुर्गति हुई है कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की दुर्गति भी इसलिए है कि उन्होंने अपना नेता राहुल गांधी को मान लिया। तो 4 जून के बाद देखना, ये जितने भी ये नौसिखिए और नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं विदेश में जाएंगे और वहाँ कोई नई गुफा तलाश करेंगे। बस एक सवाल था कि राहुल गांधी और अखिलेश ये कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमें 295 सीट मिल रही है, जनता 295 सीट दे। 4 जून को ये सब लोग कहेंगे कि ईवीएम खराब है, छाती पीटेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, दे आर टोटली इमैच्योर एंड नॉन पॉलिटिकल पर्सन। अरुणाचल में सरकार बन रही है सर, इसके साथ ही दक्षिण में भी बीजेपी काफी ग्रोथ कर रही है, क्या कहेंगे सर? देश की जनता मोदी के साथ है, मोदी के फैसलों के साथ है। और इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा एक देशभक्त चाहिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के गौरव के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। सर, सभी ने देखा इस तरीके से, जिस तरीके से विपक्ष पूरा एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आ गया था, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का पीएम का सिर्फ चेहरा था, तो क्या पीएम का चेहरा अभी भी हावी रहा जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, पछाड़ दिया है पूरे विपक्ष को? इसमें तो कोई लेकिन बटी नहीं है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं है। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी अकेले भारत के नेता थोड़ी है, पूरे वर्ल्ड के लीडर।